हेलो दोस्तों नमस्कार, ओमी टेक्निक का यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर से मैं ईपीएस 95 पेंशनर्स से संबंधित नए अपडेट से लेके आया हूं। दोस्तों आप सबको मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल में ईपीएस 95 पेंशनर्स से संबंधित प्रत्येक दिन अपडेट जो तो दी जाती है। मैं इसी कड़ी में आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 जो पेंशनर्स हैं उनके बहुत सारे मन के अंदर में जो तो विचार है, मन के अंदर में बहुत सारे प्रश्न हैं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स पूछे तो पूछे किससे पूछे, ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो अपडेट है वो उनको कौन बताए। देखिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो सक्रिय संस्था है, जो संस्था ईपीएस 95 पेंशनर्स के रात दिन एक करके मेहनत कर रही है वह संस्था एनएसी है। यानी कि एनएसी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। कभी भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के हक के लिए, ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए, ईपीएस 95 पेंशनर्स के डीए के लिए और साथ ही साथ जो ईपीएस 95 पेंशनर्स में जो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस संस्था से नहीं जुड़े हैं, पेंशन से नहीं जुड़े, उन्हें ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में लाने का एक प्रमुख, आप ये समझ लीजिए कि पूरी जिम्मा लेके बैठी हो संस्था यानी कि एनएसी की टीम, एनएसी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनमें से देखिए जो माननीय कमांडर साहब हैं उनके मतलब इरादे बहुत मजबूत हैं और कदम भी बहुत ठोस उठा के रख रहे हैं, क्योंकि उनका एक ध्येय है, एक लक्ष्य है ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका हक दिलाना। ईपीएस 95 पेंशनर की जो प्रमुख चार सूत्री मांगे हैं उन मांगों में से जो पहला नंबर पे मांग है 7,500 रुपये उनकी पेंशन की जाए, साथ ही साथ में उनको डीए भी दिया जाए, ये बहुत बड़ी मांग है। दूसरे नंबर पे जो उनकी, हालांकि मांगे तो बहुत सारी हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन जो प्रमुख मांग है 7,500 और डीए को लेके काफी ज्यादा चर्चा में ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ चुका था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनकी उचित पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए, लेकिन 2017 में ईपीएफओ ने एक एडवाइजरी जारी किया था, उस एडवाइजरी के तहत ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलने वाली उच्च पेंशन में रुकावट आ गई थी। अब हालांकि मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया हूं, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो जो दूसरा नंबर पे ये जो एडवाइजरी जारी हुआ था, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स यह चाहते हैं कि उस एडवाइजरी को ईपीएफओ के द्वारा वापस ले लिया जाए ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स को फिर से उन्हें उच्च पेंशन मिलने लगे, तो एक बड़ी मांग ये भी है। साथ ही साथ में उन्हें डीए नहीं मिल पा रहा है पेंशनर्स को, तो डीए भी उन्हें मिलना चाहिए और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जो पेंशनर्स हैं उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को मुख्य रूप से देखते हुए जो पेंशनर्स के एनएससी के टीम के जो उच्च अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा एक मुहिम चलाया गया है पेंशनर्स बचाओ अभियान। तो दोस्तों ये तो हो गया एनएससी के द्वारा कार्य किया जा रहा है ईपीएस 95 पेंशनर्स के। अब मैं जो प्रमुख उनके कार्य है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, तो एनएससी ने सबसे पहले तो पेंशनर्स बचाओ अभियान चलाया है, साथ ही साथ में बुलढाण महाराष्ट्र आप सबको मालूम है कि क्रमिक अनशन करीब 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनका क्रमिक अनशन चल रहा है आज तक और चलता ही रहेगा, वह अनशन तब तक है जब तक ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन नहीं मिलने लगेगी। तो एनएससी के द्वारा ही क्रमिक अनशन बुलढाण महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है, उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि क्रमिक अनशन करीब 3 साल बहुत होता है, 3 साल, और 3 साल से वह क्रमिक अनशन आज तक चल रहा है, लेकिन सत्ता शासन प्रशासन और ईपीएफओ उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। आगे की मैं बात करूं एनएससी के द्वारा जो डाक अभियान चलाया गया था, एक बहुत महत्वपूर्ण डाक अभियान ने भी अपना रोल निभाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को करीब लाखों डाक के माध्यम से जो तो पेंशनर्स अपनी समस्याओं से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराए हैं। साथ ही साथ एनएससी के द्वारा महत्वपूर्ण कदम यह भी उठाया गया था कि जितने भी संस्थाएं हैं उन्हें सब संस्थाओं को ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया गया। और आगे मैं बताऊं एनएससी के द्वारा एक बड़ा कदम यह भी उठाया गया कि चाहे जितने भी सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, सभी सांसदों से पर्सनली मिले हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए माननीय कमांडर साहब, और पर्सनली उन्हें उनके साथ मिलके उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही साथ ज्ञापन दिए और उन्हें ईपीएस 95 पेंशनर्स की दयनीय अवस्था से अवगत भी कराया है। इन और भी बहुत सारे ऐसे कदम ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएससी के टीम के द्वारा उठाया गया है। उसी के कड़ी में अभी हाल में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए महाराष्ट्र में सम्मेलन कर रहे हैं, इसी सम्मेलन के दौरान उनके जीप का भी हादसा हुआ था जो आप लोगों को मालूम होगा।
चाहे दिन हो या रात हो, लगातार अपने काम को आगे लेके बढ़ रहे हैं एनएससी के नेता माननीय अशोक रावत जी। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कितना कुछ करने का उनके मन के अंदर में जोश है, कितना कुछ करने का उनके मन के अंदर में जज्बा। एनएससी के बदौलत ही अभी माननीय हेमा मालिनी जी खुद सामने बढ़ के आई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अभी पत्र लिखा है हाल ही में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 तारीख को जो एक प्रमुख बैठक सीबीटी की होने वाली है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक होने वाली है, उसमें अहम फैसला लिया जा सकता है ईपीएस 95 पेंशनर्स यानी। और साथ ही साथ एनएससी के जो नेता, एनएससी के जो कार्यकर्ता गण हैं, वो सब ये चाहते हैं कि ये जो सीबीटी की बैठक होने वाली है, इसी बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए कोई अहम फैसला लिया जाए, ठोस कदम उठाया जाए, ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है या जब भी आएगा या ईपीएफओ के द्वारा जो भी दिया जाएगा फैसला, उसमें उन्हें मतलब एक सहूलियत मिल सके, उनका एक विजन क्लियर हो जाए और समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाए। हालांकि एनएससी के टीम का भूत मुख्यतः यही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन मिलने लगे। अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि बरेली में भी एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें एनएससी के कार्यकर्ता सभी उपस्थित थे। साथ ही साथ में उपाध्याय जी के द्वारा भी इस बात का आश्वासन दिलाया गया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही जल्द पेंशन मिलने लगेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलती है, वहाँ पे पेंशन नहीं मिल पाती है, तो बहुत ही जल्द यानी कि अप्रैल तक में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में एनएससी की टीम लगी हुई है। यानी कि रणनीति के हिसाब से बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन दिलाने के उद्देश्य से एक बड़ा आंदोलन होगा। दोस्तों आज का यही मुख्य अपडेट था, आज के लिए यही जानकारी थी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।